वैदिक सरितांजलि की रसोई से सभी को राम राम। आज हम लेके आए हैं एक प्रभावशाली वैदिक माउथ वॉश की रेसिपी, एक ऐसी आयुर्वेदिक और प्रकृति औषधि जो प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। आयुर्वेद में इसे रेसिपी यानी इस माउथ वॉश के अनेक फायदे बताए गए हैं। इस प्रभावशाली औषधि को घर पे आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि ये रेसिपी केवल एक प्राकृतिक पदार्थ से बनी गई है। तो चलिए जानते हैं इस रेसिपी के बारे में। आयुर्वेद में अमरूद का वर्णन कुछ इस प्रकार किया हुआ है, पेरुकम तुवरम प्रोक्तम, स्वाद अम्लम कपा कारकम, शुक्रालम वात पित्तघ्नम शीतलम, चार रसम मतम। गुवावा या अमरूद का प्राचीन संस्कृत नाम अमृत या पेरुंग फल है तथा भारत में प्राय सब लोग इसे अमरूद नाम से ही पुकारते हैं। भारत में अमरूद का पेड़ लगभग हर जगह प्रमुखता से पाया जाता है, यानी प्राचीन काल से ही भारतीयों को जड़ी बूटियों का और औषधियों का गुणों से भरपूर फल फूलों की जानकारी थी। आयुर्वेद के अनुसार अमरूद भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके अनेक फायदे हैं। अमरूद के फल और पत्ते दोनों का ही उपयोग कई सारी बीमारियों में किया जाता है। बात करते हैं अमरूद के पत्तों के बारे में और उनसे जुड़े फायदों के बारे में। अमरूद के पत्तों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आयुर्वेद में दांतों से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने दांतों का ध्यान अमरूद के पत्तों से रख सकते हैं। अमरूद के पत्तों के इस्तेमाल से पीले दांत को सफ़ेद किया जा सकता है क्योंकि दांतों का पीला होने का सबसे बड़ा कारण प्लैग होता है जो खाने पीने की चीज़ों से आपके दांतों में जमता रहता है। जब इसकी परत मजबूत हो जाती है तो ये टार्टर का रूप ले लेता है और धीरे धीरे दांतों की जड़ों में घुसकर मसूड़ों को खोखला करता है। अमरूद के पत्तों से मुंह से आने वाली दुर्गंध को भी ठीक किया जा सकता है। अमरूद की पत्तियों और में उच्च फाइटोकेमिकल सामग्री पाई जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट जीवनारोधी से भरपूर होती है और मुंह से आने वाली दुर्गंध को नष्ट कर सकती है। अमरूद के पत्तों में फ्लेवोनॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का अर्थ होता है जो सूजन और दर्द कम करता है, जो दांत का इन्फेक्शन दूर करते हैं जिससे कि दर्द में राहत पहुंचती है। अमरूद के पत्तों से दांत का दर्द, दांत में खून आना, मसूड़ों से खून आना, अल्सर और दांत के कीड़ों का ना बढ़ने देने में अमरूद के पत्ते काफ़ी लाभदायक हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि अमरूद के पत्तों से दांत से जुड़ी कई सारी समस्याओं के उपचार हो सकता है। अगर आपके जीभ पर छाले हैं या आपकी जीभ में सूजन हो जाती है तो आपके लिए अमरूद के पत्तों का ये माउथ वॉश काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्यों हमें आर्टिफिशियल माउथ वॉश की जगह गुवावा लीफ माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार में मिलने वाले माउथ वॉश आपकी सेहत के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। आर्टिफिशियल माउथ वॉश में मौजूद तत्व जो बड़ी मात्रा में हानिकारक हो सकते हैं वे है क्लोरोक्सीडाइन, ग्लूकोनेट, ईथिल अल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये कुछ जहरीली पदार्थ हैं जिनके सेवन से हमें नुकसान हो सकता है। थाइमोल और प्लास्टिक दोनों ही सूक्ष्म जीवों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। जैसे ही माउथ वॉश आपके मुंह से बाहर निकलता है और नाली में चला जाता है यह निसंदेह हमारे जल मार्गों में अपना रास्ता बना लेता है। वहाँ यह जलीय सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसी कारण हमें केमिकल और आर्टिफिशियल पदार्थों से बचना चाहिए और अपने सनातनी या वैदिक रहन सहन की ओर ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति से जुड़े रहने का एकमात्र शक्तिशाली और प्रभावी विज्ञान है। आयुर्वेद ही हमें दीर्घ आयु और स्वस्थ शरीर और साफ मन प्रदान कर सकता है। प्रकृति से जुड़े रहने पर हम प्रकृति में प्राप्त हो रही औषधि को जीवन रस बनाकर अपने जीवन रोग मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जीवन का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया का ही है। निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर और साफ मन। तो चलिए, प्रकृति की देन को धन्यवाद करते हुए हम जानते हैं कि अमरूद के पत्तों का माउथवॉश कैसे बनाया जा सकता है और इस घरेलू उपचार को हर दिन कैसे ग्रहण किया जा सकता है। सबसे पहले हम कुछ 4 से 5 अमरूद की ताज़ा पत्तियों को लेना है। आप इन पत्तों को अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई कीड़े या धूल मिट्टी अगर जमी हुई हो तो वो निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद ही हमें इन अमरूद को पत्तियों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ हमने अपने घर के गार्डन से कुछ अमरूद के पत्तों को तोड़कर अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इन पत्तों में से रस निकालेंगे, जिसके लिए हमें इन पत्तों को पीसना होगा। पत्तों को पीसने के लिए हमने सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आयुर्वेद के अनुसार जब हम स्टील की धातु का इस्तेमाल करते हैं तब स्टील हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे नष्ट करता है। पत्थर के सिलबट्टे पर पीसने से हमें 100% न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है, इसलिए हमने भी यहाँ सिलबट्टे का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने पत्तों को सिलबट्टे पे पीस लिया है ताकि हम आसानी से इसका रस प्राप्त कर पाएँ। अब हम एक मिट्टी के बर्तन में एक मलमल का कपड़ा लगाकर इन पिसी हुई पत्तों को कपड़े के ऊपर रख देंगे और अब हम इस पर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। पत्तों को कपड़े की सहायता से छानने पर पत्तों में से रस अलग हो जाएगा और पत्तों में जो कुछ छोटी छोटी डंडियाँ या तिनका हो वो भी आपके दांत में नहीं फंसता है। बस आप ध्यान रखें कि छानने से पहले हम गर्म पानी में पीसे हुए पत्तों को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे अमरूद के पत्तों का सारा रस पानी में अच्छी तरह मिल जाएगा और ये तैयार है हमारा नेचुरल माउथवॉश, जो पूरी तरह से आपके दांतों की रक्षा करेगा। अगर आप रोज़ सुबह नियम से इस माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं तो दांत से जुड़ी लगभग हर समस्या से आप दूर हो जाएंगे। आपको इस माउथवॉश से 30 सेकंड के लिए कुल्ला और गरारा करना है। आप चाहें तो इस माउथवॉश में थोड़ा सा नमक भी मिलाकर इसे कुल्ला कर सकते हैं। इस माउथवॉश के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये रेसिपी पूर्ण रूप से प्राकृतिक पदार्थ से बनाई गई है और इसके लाभ गिनते गिनते हम थक जाएंगे, परंतु इसके एक भी साइड इफ़ेक्ट यानी दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल और किन तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कि आप अमरूद के पत्तों को धूप में सुखा लें, जब वो सूख जाएं तो उनका पाउडर बना लें। अब आप इस पाउडर से रोज़ अपने दांत साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो टूथपेस्ट की जगह अमरूद के पत्तों का पाउडर ले लें या अमरूद का पाउडर को हल्का गीला करके उंगलियों से दांत साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना अमरूद के पत्तों से बनी चाय भी पी सकते हैं, जिसमें मुंह की दुर्गंध और मसूड़ों और दांतों में जमे हुए कीड़े और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि इस रेसिपी द्वारा आपकी छोटी या बड़ी समस्या दूर करने में ये वीडियो उपयोगी रहा हो। अगर आपको आयुर्वेद रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल पर आपको आयुर्वेद से जुड़ी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करें। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका धन्यवाद।